स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर रेसिपी अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं तोरल स्वाद अनुसार में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिवाली का त्योहार बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है गुजराती फरसान फरसी पूरी। तो सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच भुनी हुई अजवाइन, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे, तेल का नहीं। अब इसे अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करके आटा गूंदना है। जब तक हमारा आटा रेडी होता है, हम पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। आटा अच्छे से गूंद गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटा रेडी है, अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाकर पूरियां बेलेंगे। आप अपने हिसाब से पूरी छोटी या बड़ी रख सकते हैं। अब हम इसकी पूरियां बनाना शुरू करते हैं। फोक से इस तरह से हम पूरियों में छेद करेंगे ताकि पूरी फूले नहीं और 10 से 15 दिन हम इसको आसानी से स्टोर कर सके। पूरियां सारी बेल चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। पूरी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। अब मैं आपको फरसी पूरी का अलग शेप बना के दिखाऊंगी। थोड़ा सा घी इसमें लगाएंगे और सूखा हुआ आटा। इसको समोसे का शेप देंगे। घी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें तलने के बाद पूरी के अच्छे लेयर्स दिखे। इसको भी हम फूले नहीं, इसलिए फोक से छेद कर देंगे। तो तैयार है गुजराती फरसान फरसी पूरी। इस दिवाली बनाइए फरसी पूरी, आप भी टेस्ट कीजिए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। और ऐसे ही दिवाली स्पेशल रेसिपी के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।